ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चैप्टर है। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए थे, आर्थिक सुधार, तो इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक सुधार क्या होते हैं, क्यों लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर मेजर्स विच एम कंट्री टू डेवलप बी एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। एक्चुअल में क्या होता है, आर्थिक सुधार तब लिए जाते हैं, तब अपनाए जाते हैं जब कंट्री को कुछ डेवलपमेंट करने की ज़रूरत हो, एफिशिएंट यानी कुशल बनाने की, कॉम्पिटिटिव यानी प्रतियोगिता बनाने की, यानी और कंट्री से कॉम्पिटिशन में कम्पीट कर सके। नीड क्या थी 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, देखो क्या हो रहा था। 1991 तक तो सब ठीक चल रहा था, जो पीछे से 1947 से चल रहा था, लेकिन 1990 आते आते बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। हमारे फिस्कल डेफिसिट बढ़ गए, इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट, बैलेंस पेमेंट डेफिसिट हो गया, रिडक्शन हो गया फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, राइजिंग प्राइसेस और गल्फ क्राइसिस। हुआ क्या था, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है, घाटा है, वो बढ़ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब है गवर्नमेंट के जो इंपोर्ट्स है वो ज़्यादा हो गए थे, और फॉरेन करेंसी का रिजर्व बहुत कम हो गया था, पब्लिक सेक्टर सही से काम नहीं कर रहे थे, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। गल्फ क्राइसिस यानी पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। अब इंक्रीजिंग फिस्कल डेफिसिट इसका मतलब क्या है, जैसा मैंने अभी बताया, दोबारा बताता हूँ कि गवर्नमेंट जो अपना बजट बनाती है हर साल, अगर सरकार के पास कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और 1981-92 तक फिस्कल डेफिसिट क्या है, कंटिन्यूसली राइजिंग हो रहा था उसके बाद। और गवर्नमेंट को क्या था, बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है, जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम होता है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, तो डेब्ट बर्डन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। गवर्नमेंट अडॉप्टेड 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसलिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाने पड़े। अब जो भी मैं इसमें बोलूँगा वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है अगर पढ़ने में या समझने में, तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रहा था। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट का मतलब होता है कि जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, हमने एक चैप्टर में पढ़ा है कि गवर्नमेंट जो दूसरी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड कंट्रीज से जो ट्रेड करती है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में काउंट करते हैं। तो इंपोर्ट जब ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, यानी हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बन जाता है, हमारा डेफिसिट बन जाता है। और हमें लोन लेना पड़ता है बाहर की कंट्रीज से, तो एक तरह से वो भी ज़्यादा हो गया था 1981 से लेके, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गवर्नमेंट को इसकी वजह से भी लोन लेना पड़ता और गवर्नमेंट जो है डेब्ट रेट में फंस गई थी। इसी वजह से गवर्नमेंट को 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाने पड़े। ठीक, इसके बाद रिडक्शन इन फॉरेन करेंसी रिजर्व। हमारे पास केवल 7 या 10 दिन का इंपोर्ट का बैलेंस बचा था। तो आपको पता होगा कि आज की डेट में हमारे पास लगभग 470 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी रिजर्व है आरबीआई के पास, लेकिन वो एक कंडीशन आ गई थी कि हमारे पास 10 दिन के आयात के पैसे भी नहीं बचे थे, बहुत ही कम रिजर्व हो गया था, जिससे आज की डेट में पाकिस्तान के पास बहुत कम रिजर्व है फॉरेन करेंसी का, 6-7 बिलियन डॉलर होगा, और हमारे पास है 470 बिलियन डॉलर। तो कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व फेल डाउन सो लो दैट वी डिडंट इवन हैव सफिशिएंट फॉरेन मनी फॉर 10 डेज इम्पोर्ट्स, देयरफॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक द स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके, ठीक। इसके बाद है फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज थी, यानी गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेस थे, सार्वजनिक उद्यम थे, सार्वजनिक कंपनियां थी, उनमें बहुत सारा घाटा हो रहा था, उनके कंपटीशन का फेस नहीं करना पड़ रहा था, तो उनके एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इंडस्ट्रीज को उठाकर ऐसा मतलब मजबूरी आ गई कि उनको प्राइवेट करना पड़ गया, मतलब करना पड़ा उसके बाद। तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था, इनएफिशिएंसी थी, फेलियर्स था, लॉसेस होता, तो विच कंपेल गवर्नमेंट, जिसने कंपेल गवर्नमेंट को बाध्य किया टू अडॉप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके अलावा था राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा आ गया था, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि छोटी छोटी ज़रूरतों की चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, 1991 के अराउंड पे, 1991 के आसपास, तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट को उसने बाध्य कर दिया। प्राइसेस वर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज इंक्रीजिंग, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है जीने की लागत, वो भी बढ़ रही थी, ड्यू टू विच गवर्नमेंट टुक स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जब आप एक क्वेश्चन में का आंसर लिखोगे एग्जाम में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ रहे थे, पब्लिक सेक्टर में घाटे हो रहे थे, फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं था, और हमारे पास जो है पब्लिक बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जा रहा था, और हमारी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट हो रहा था। इसके अलावा गल्फ क्राइसिस भी हुआ था 1991 में। क्या हुआ, ऑयल के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे, इन विच प्राइसेस ऑफ पेट्रोल रोज अबनॉर्मली, ड्यू टू विच गवर्नमेंट स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन दिस, देयरफॉर गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अडॉप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब क्या है कि उस वक्त गल्फ क्राइसिस हो गया, तो जितनी भी गल्फ कंट्रीज है उसमें क्या हुआ कि वॉर की वजह से या जैसे भी वहाँ पर शॉर्टेज हो गई ऑयल की, और प्राइसेस ऑयल के बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और ये प्राइसेस बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट को, हमारी इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ी ऑयल के लिए, क्योंकि हम ऑयल एक ऑयल इंपोर्ट कंट्री है इंडिया। तो जिसकी वजह से ये सब इतने सारे रीजंस हो गए, दे आर पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाने पड़े। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कुछ पार्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब तीनों को अलग अलग से समझेंगे, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। लिबरलाइजेशन मतलब हमारे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि वो क्या कहते हैं, हिंदी में मुझे एक वर्ड याद नहीं आ रहा इसका, उदारीकरण। लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, मतलब जो भी
जो भी बिजनेस को रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, कोटा के रिस्ट्रिक्शन, लाइसेंस के रिस्ट्रिक्शन, तो थोड़ा उससे मुक्ति दे देना, तो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट सारे सेक्टर्स को। 1991 से पहले क्या था कि हम आज़ाद हुए थे, तो पहले मैं पढ़ देता हूँ। इट मीन्स द फ्रीडम फ्रॉम बैरियर्स लाइक्स लाइसेंस परमिट कोटा एक्सेट्रा बिफोर 1991 देयर वर मेनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन द इंडस्ट्री विच यूज टू कॉज डिले इन वर्क मोर कॉस्ट एंड लॉस ड्यू टू विच गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द वन हैंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वॉज अलाउड इन सम इंडस्ट्रीज एंड दी ऑन दी अदर हैंड स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड फ्रॉम सम इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली क्या हुआ, देखो 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने गवर्नमेंट जो भी जब कंपनीज होती थी उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने चालू कर दी। अगर आपको कुछ माल बनाना है तो उस पर कोटा होता था, कोई अगर माल बनाने का मतलब कोई इंडस्ट्री लगानी है तो लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी। लेकिन हमने 1991 आते आते हमने देखा कि उन रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो कंपनीज अपना काम नहीं कर पा रही, तो हमने उन्हें लिबरलाइज किया, उन्हें उदारीकरण की नीति से मतलब उनको थोड़ा सा उनकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी। अगर उन्हें कोटा वगैरह कुछ भी करना है, काम करना है, तो उनको लाइसेंस वगैरह इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन से उन्हें फ्री कर दिया। तो देयर आर द सम ऑब्जेक्टिव्स और मेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, इंकरेजमेंट टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, रिडक्शन इन कंट्रीज डेट बर्डन, इंक्रीज इन आउटपुट बाई इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। तो लिबरलाइजेशन के कुछ मोटिव्स है, बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है, उनसे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट का देश का आउटपुट बढ़ेगा, प्राइसेस कम होंगे, डेब्ट बर्डन घटेगा, और जो है जल्दी से काम होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। इसके अलावा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या है कि जितने भी सार्वजनिक एंटरप्राइजेस थे जो सही से काम नहीं कर रहे थे उनको प्राइवेटाइज कर दो, उन्हें सेल कर दो प्राइवेट पूंजीपतियों को, निजी उद्योगपतियों को, इसका मतलब था प्राइवेटाइजेशन। तो हम इसको एक बार इसके रीड आउट करते हैं, जो भी इसके नोट मतलब इसमें क्या लिखा जाएगा। प्राइवेटाइजेशन मीन्स इन्वॉल्विंग प्राइवेट कैपिटलिस्ट फॉर दी ऑनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। It can be in two ways. First, sale of government enterprise to the private sector, and second, withdrawal of the ownership or management from the mixed enterprise jointly owned by public and private sector. Before 1991, there were many shortcomings in public sector and units like inefficiency, corruptions, etc. Thereby, government decided to implement policy of privatization. मतलब क्या था, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी पॉलिसी वाज टू रिड्यूस इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक शॉर्ट सेक्टर एंड इंक्रीज कंपटीशन। देखो प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया कि जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे यानी गवर्नमेंट के कंपनियां थी उनको बेच दिया, या तो या फिर जो कंपनी जॉइंटली थी ओन थी प्राइवेट और गवर्नमेंट की, तो उसको प्राइवेट के हाथों में दे दिया। उसका रीज़न ये था कि जो प्राइवेट गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस थे उनमें इनएफिशिएंसी थी, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं थी, वो कॉम्पिटिशन के लायक नहीं थी, उनमें करप्शन था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको प्राइवेटाइज कर दिया ताकि उसमें थोड़ा उनमें कॉम्पिटिटिवनेस आए, थोड़ा उसमें सही से काम हो। उसमें ये नहीं कि काम BSNL को देखो, MTNL को देखो, उसमें काम नहीं करते थे लोग। तो जैसे ही हमने मतलब कुछ सेक्टर्स को प्राइवेटाइज़ किया, जैसे वोडाफोन आइडिया उसके बाद आए, तो उन्होंने कितना अच्छा एफिशिएंसी दिखाई। देयर आर सम इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्री विल इंप्रूव, कंपटीशन विल इंक्रीज, कंज्यूमर इजी एक्सेस टू द डिफरेंट कमोडिटीज़। देखो इसके कुछ फ़ायदे भी थे। क्या फ़ायदे थे कि हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज थी उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर को वैरायटीज ऑफ गुड्स मिली और एक्सेस, इजी एक्सेस भी मिला। मतलब जाहिर सी बात है जो प्राइवेटाइजेशन होगा और जैसे वोडाफोन आ गया, एयरटेल आइडिया आ गया, तो कस्टमर की सर्विसेज बढ़ गई। इसके अलावा था ग्लोबलाइजेशन। तो पहले ग्लोबलाइजेशन पढ़ लेते हैं। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ओपननेस ऑफ कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमीज ऑफ द कंट्रीज। इट मीन्स रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कैपिटल एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन अक्रॉस बॉर्डर्स। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज के लिए, इकोनॉमीज के लिए खोल देना, ओपन कर देना, ठीक है। और जितना भी रिस्ट्रिक्शन हम ट्रेड पर लगाते हैं, टैरिफ पर लगाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, कि ये माल बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा कम कर दिया। 1991 में क्या था, उससे पहले हमने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, इंपोर्ट पर 200% की टैरिफ लगा रखी थी। तो आपने देखा होगा बदमाश कंपनी मूवी में, वो जो जूते खरीद के लाते हैं तो वो टैरिफ बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो टैरिफ की चोरी करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 1991 में उसमें फिल्म में दिखाया कि वो टैरिफ हटा लिया जाता है। तो दिस विल प्रमोट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज। बिफोर 1991 इन इकोनॉमी वाज ए क्लोज इकोनॉमी। 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी एक क्लोज बंद अर्थव्यवस्था थी। सिंस देयर वाज नो कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, देयरफॉर आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वेयर नेग्लिजेंट एंड इनएफिशिएंट। दे यूज टू डिटरमिन हाई प्राइसेस एंड कस्टमर सर्विस वाज नॉट गुड। डज गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देयर आर इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो क्या हुआ, जब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन नहीं था, बाहर की कंपनीज यहाँ नहीं आ पाती थी, तो यहाँ की कंपनी को क्या करती थी, बहुत ज़्यादा शोषण करती थी, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखती थी, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं करती थी। जैसे वोडाफोन उस वक्त तक नहीं आया था, जो भी बाहर की कंपनीज थी वहाँ नहीं आई थी। उनके आने से क्या हुआ, हमारे देश में एफिशिएंसी बढ़ गई, प्राइस घट गए, कस्टमर को वैरायटी ऑफ गुड्स सर्विसेज मिलने लगा,
और बहुत ज़्यादा हमारे देश में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया, जिससे गुड्स एंड सर्विस अच्छे क्वालिटी के बनने लगे। तो दे आर इंपॉर्टेंसेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंप्रूव डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कॉम्पिटिशन की वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी भी बढ़ी, विच विल रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज इन द आउटपुट, जिससे कॉस्ट घटेगी आउटपुट बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज इन द कॉम्पिटिशन विच विल कॉज रिडक्शन इन कॉस्ट एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विल इंप्रूव एंड मॉडर्नाइजेशन विल इंप्रूव। जाहिर सी बात है जब इतना कॉम्पिटिशन होगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी और मॉडर्नाइजेशन भी अच्छा होगा और बेनिफिट्स मिलेगा कंज्यूमर्स को क्योंकि प्राइसेस घटेंगे, वैरायटी मिलेगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्राइसेस विल फॉल एंड कस्टमर सर्विस विल बी बेटर, इजी एक्सेस टू द गुड्स एंड सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज विल बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द नीड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसके अलावा फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, देखो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर के इन्वेस्टर्स हमारे देश में आने लगे, तो जाहिर सी बात है हमारे देश में फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ भी बढ़ गई, यानी बाहर के बैंक्स वगैरह आए, बाहर से कैपिटल लेकर आए, तो हमारे देश में मनी आई, बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी आई, डॉलर आया, यूरो पाउंड आया जो हमें ज़रूरत थी, तो प्रोवाइड लोन्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अगर एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको मेरा बोलना फास्ट लग रहा है तो आप इसको 0.75 की स्पीड से सुन के वीडियो को 0.75 की स्पीड पर कर लेना। ठीक है, यह वीडियो मैं इसलिए फास्ट बना रहा हूँ ताकि कम टाइम की बन जाए। ओके, इसके बाद है एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। अब एक अप्रेजल अवलोकन, हम मूल्यांकन करते हैं कि एलपीजी पॉलिसीज अच्छी थी कि बेकार थी, तो कुछ उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखेंगे और कुछ उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स देखेंगे। आपको पता होना चाहिए एलपीजी पॉलिसीज को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बोलते हैं, यानी एनईपी शॉर्ट में। ठीक है, तो पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या थे एलपीजी पॉलिसीज के, तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखते हैं पहले 6 पॉइंट्स, फिर नेगेटिव इंपैक्ट्स देखेंगे कि क्या उसके नुकसान थे। तो पहला पॉइंट था एलपीजी पॉलिसीज जो लिबरलाइजेशन प्रोवर्टीशन ग्लोबलाइजेशन हुआ था कि राइजिंग जीडीपी इन 1991-92 ग्रोथ रेट वाज 1.3, बट लेटर ऑन आफ्टर एलपीजी पॉलिसी इट रोज अप टू एंड इट रीच टू 5.5 इन 9th 5-year प्लान एंड वाइल 7.2 इन 10th 5-year प्लान। मतलब क्या हुआ कि एलपीजी लाने से हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो एकदम से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई? जब लिबरलाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन भी होगा, ग्लोबलाइजेशन भी होगा, तो हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ एकदम से बढ़ गई क्योंकि बाहर की कैपिटल भी आया, बाहर से टेक्नोलॉजी भी आई, मारुति सुजुकी एक हो गए, मतलब ज्वाइंट सेक्टर भी बना, बाहर के जो टेक्नोलॉजी भी आई, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था विच जो घट गया था 1991 में वो एकदम से बढ़ गया, क्योंकि और वो कितना बढ़ गया 2006 तक वो 165 बिलियन डॉलर हो गया और आज की डेट में तो आपको पता ही है, आज की अगर 2019 के हम 20 की बात करें तो 470 समथिंग बिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसके अलावा हमारा फिस्कल डेफिसिट भी घटा, फिस्कल डेफिसिट जो लगभग 8% के अराउंड पहुंच गया था, तो है ना 8.5% के आसपास, वो एलपीजी पॉलिसीज आने के बाद यानी नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद वो रिड्यूस हो गया अराउंड 5%, जो कि ज़्यादा है लेकिन पहले से तो घट गया ना, लेकिन हाँ अभी गवर्नमेंट आरबीआई का टारगेट है कि 3% के आसपास उसे लाया जाए या 2%। उसके अलावा महंगाई दर में भी कमी आई, चेक ऑन इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल आफ्टर एलपीजी पॉलिसीज बिकॉज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज्ड इन द इकोनॉमी बाय मोर प्रोडक्शन। जाहिर सी बात है जब गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो प्राइसेस घट जाएंगे, जब बाहर की कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज ने एंटर किया और कंपटीशन भी बढ़ा तो प्राइसेस घट गए। जैसे कि आपको पता होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले क्या हालत थी टेलीकॉम सेक्टर में और उसके बाद क्या थी, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी एलपीजी पॉलिसी का बेनिफिट था या पॉजिटिव इंपैक्ट था। आफ्टर एलपीजी पॉलिसीज एफडीआई हमारे देश में अराइव्ड इन इंडिया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली एंड इट आल्सो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्री से भी बढ़ी हमारे देश में, आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई कि जब क्योंकि बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनी आई उन्होंने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लिया, मतलब वो उनको काम दिया, यहाँ से बहुत ज़्यादा काम मिला, यहाँ पर गूगल फेसबुक सब आए, तो मतलब ये तो अभी आए हैं लेकिन उसके अलावा आईटी सेक्टर आ गया था ना तब तक, कंप्यूटर आ गया था। इसके अलावा कंज्यूमर बेनिफिट्स हुआ, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज, कस्टमर सर्विस इंप्रूव, एक्सेस टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज बिकम इजी एंड कंज्यूमर बिकेम एबल टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड नीड एंड प्रेफरेंसेज। मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले, जाहिर सी बात है मल्टीनेशनल कंपनी आएगी बार बार फोन करके पूछेगी सर सामान खराब तो नहीं, सर कैसा सामान मिला आपको, सर्विस कैसी, और जब ये था 1991 से पहले यह हालत नहीं थी, कोई पूछता भी नहीं था, कस्टमर सर्विस के नाम पर कुछ भी नहीं था। नेगेटिव इंपैक्ट्स भी थे कुछ एलपीजी पॉलिसीज के, पहली बात तो इसका नेगलेक्ट किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को, द फोकस ऑफ एलपीजी पॉलिसीज वाज मोर ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर व्हाइल द ग्रोथ ऑफ जीडीपी वाज प्राइमरीली ड्यू टू सब्सटेंशियल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। बेसिकली क्या कहा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज एज लो एज अराउंड 2% विच हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ रूरल सेक्टर।
मतलब एलपीजी पॉलिसीज ने इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव तो किया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ केवल 2% रही, जो कि बहुत कम होती है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ग्रोथ जो थी, ग्रोथ प्रोसेस वॉज कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज। यू विल हार्डली फाइंड एनी मल्टीनेशनल कंपनी इन रूरल एरिया। मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी थी वर इस्टेब्लिश इन अर्बन एरियाज वर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वर अवेलेबल। मतलब कहा जा रहा है कि इट कॉज्ड वाइडनिंग अर्बन रूरल गल्फ या वो जो भी है, विच क्रिएट इकोनॉमिक डुअलिज्म एंड देन सोशल डुअलिज्म विच हिंडर्स ग्रोथ ऑफ द कंट्री। मतलब कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ थी वो ज़्यादातर अर्बन सेक्टर यानी शहरी क्षेत्रों में हुई, गांव के क्षेत्रों को तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ध्यान नहीं दिया गया और गांव के सेक्टर्स को, और गांव के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी इंप्रूव नहीं की गई। इसके अलावा फ्यूचर थ्रेट ऑफ मल्टीनेशनल मोनोपोली, ये फ्यूचर थ्रेट है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है हमारे पर इतना ज़्यादा अधिकार जमा लेगी कि पहले तो हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने थे, अब हम फ्यूचर में मल्टीनेशनल कंपनी के गुलाम बन सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आर यूजिंग इंडिया एज ए मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर यूजिंग देयर मार्केट ड्यू टू कॉम्पिटिशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। दिस कैन बी कॉल्ड इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इसे इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म भी कहा जा सकता है, यानी आर्थिक उपनिवेशीकरण। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हमारे देश में बढ़ गया। वैरायटी ऑफ ग्लोबल ब्रांड्स इतने आ गए हमारे देश में, हैज़ मेड कंज्यूमर्स थ्रिफ्ट ऑफ स्पेंडिंग। मतलब हमारे देश में खर्च करने वाला वो बना दिया, उसकी खर्च करने की प्यास। इंडियन पीपल आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर एंड स्पेंडिंग मोर देन देयर इनकम बाय टेकिंग लोन्स। हमारे देश में एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया, यानी प्रदर्शन प्रभाव हो गया। लोग इतना ब्रांड्स के पीछे भागते हैं या फिर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं कि वो अपनी इनकम से भी ज़्यादा खर्च करते हैं बाय टेकिंग लोन्स, जो कि अच्छी बात नहीं है। जॉबलेस ग्रोथ सिंस 1991 इन इकोनॉमी इज ग्रोइंग कॉन्स्टेंटली। हमारे देश में ग्रोथ तो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट बीइंग जनरेटेड। एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट नहीं हो रहा मच ड्यू टू, क्योंकि हमारे देश में जो ग्रोथ हो रही है वो टेक्नोलॉजी की बेस पर हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर इतने नहीं हो रही। वो हमारे देश में तो आर्टिफिशियल ग्रोथ हो रही है एक तरह से, उससे एम्प्लॉयमेंट उससे नहीं बढ़ रहा है, वो कंप्यूटराइज लहे से समझ लो कि एक सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है। तो हमारे देश में एक तरह से एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रोथ नहीं है, उसे बोलेंगे हम जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हो गई मल्टीनेशनल कंपनीज की या पूंजीपतियों की, लेकिन हमारे देश में रोजगार इतना नहीं बढ़ा। उसका अगला पॉइंट है नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारे देश की जो ग्रोथ है वो इंक्लूसिव नहीं है, सबको इंक्लूड नहीं किया है उसने। इट वॉज नॉट एन इंक्लूसिव ग्रोथ बिकॉज ऑल सेक्टर्स डिडंट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस ग्रोथ एंड जीडीपी ग्रोथ वॉज प्राइमरी ड्यू टू सर्विस सेक्टर विच वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन आईटी इंडस्ट्री। मतलब क्या है, हमारे देश में एक ग्रोथ जो थी उसने सबको इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई है या फिर पूंजीपतियों की ग्रोथ हुई है। गरीब गरीब हो गया, गरीब गरीब होता चला गया, बेरोजगारी कम नहीं हुई, पॉवर्टी कम नहीं हुई। तो ये इसके कुछ डिमेरिट्स है। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं इट इज़ अ डिबेटेबल इशू बट वी कैन नॉट से दैट वी शुड नॉट फॉलो एलपीजी पॉलिसी। वी शुड हैव नॉट फॉलोड एलपीजी पॉलिसीज बाय लुकिंग इट्स डिमेरिट्स बिकॉज इट वॉज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस टू इम्प्लीमेंट एलपीजी पॉलिसीज, रादर इट वॉज अ मैटर ऑफ कंपल्शन, देयरफॉर वी हैड टू फॉलो दिस फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट वी शुड इम्प्लीमेंट एलपीजी पॉलिसीज विद सम प्रिकॉशंस। देखो कहा जा रहा है कि ये एक डिबेटेबल इशू है कि हमें एलपीजी पॉलिसी करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये हमारी चॉइस नहीं थी, हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमारे को एलपीजी पॉलिसीज तब लागू करनी पड़ी जब हम पे प्रेशर आया वर्ल्ड बैंक का, अमेरिका का, कि भाई हम तुम्हें तभी लोन देंगे जब आप एलपीजी पॉलिसीज अपनाओगे, यानी कुछ प्राइवेटाइज करोगे, कुछ लिबरलाइज करोगे, कुछ ग्लोबलाइज करोगे अपनी इकोनॉमी को। तो वी शुड नॉट कहा जा रहा है कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, हमें अपने वी शुड नॉट डिपेंड ऑन सोनली ऑन फॉरन गुड्स एंड सर्विस, वी शुड चैनलाइज एफडीआई इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन कंज्यूमर गुड्स लाइक KFC। मतलब हमें मैकडी वगैरह से ध्यान हटाकर अपने जो FDI हमारे देश में आ रहा है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना चाहिए, फॉरेन गुड्स पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इसमें पॉज करके आप देख लो। इसके अलावा डिवेल्यूशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी करेंसी को बाहर की करेंसी की तुलना में खुद घटा दें तो उसे डिवेल्यूशन बोलते हैं, यानी अवमूल्यन। इसके अलावा सबसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है। इसे बोलते हैं हम हिंदी में, इसे बोलते हैं हम बाह्य, एक वर्ड है वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है एक बार देख लेना इसको डिक्शनरी में आउटसोर्सिंग का मतलब, या फिर हिंदी में जो भी बोलते हैं इसे देख लेना एक बार। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है व्हेन ए कंट्री पीपल प्रोवाइड देयर सर्विसेज फॉर अर्निंग मनी टू अदर कंट्रीज, देन इट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। देयर आर सम मेरिट्स ऑफ इट्स अर्निंग फॉरेन करेंसी एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, बट डेवलप्ड कंट्रीज अपोज इट बिकॉज पीपल ऑफ अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज आर रेडी टू वर्क एट लो और लेस वेजेस देन द डेवलप्ड कंट्रीज, देयरफॉर दे डू नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर दिस
सर्विसेज। देखो क्या है कि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब लोग जो है एक देश के दूसरे देशों के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और डेवलप कंट्रीज जो है इसके लिए डिनाई करती हैं। क्यों? क्योंकि जो गरीब कंट्रीज के लोग होते हैं वो कम वेजेस पे भी काम कर लेते हैं। जैसे इंडिया के जो लोग हैं अमेरिका के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई कोचिंग की सर्विस देता है, कोई कॉल सेंटर की सर्विस देता है। कॉल सेंटर यहाँ खुला हुआ है, अमेरिका का कॉल सेंटर यहाँ पर खुला हुआ है, और यहाँ के लोग कम पैसों पर काम कर रहे हैं, 10,000-15,000 रुपये में, 20,000 रुपये में। तो इससे जो है क्या है, डेवलप कंट्रीज़ के लोग चिढ़ते हैं कि आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है जॉब को, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। मेजर ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन के लिए जो मेजर्स अपनाए गए, रिमूव लाइसेंस किया गया, लाइसेंस को हटाया इंडस्ट्री के, मतलब कम किया गया, रिमूव परमिट फॉर इंक्रीजिंग लिमिट फॉर सम इंडस्ट्रीज, रिड्यूस रिस्ट्रिक्शंस और लाइसेंस एंड परमिट, डीज रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये कुछ मेजर्स हैं, ये कुछ उपाय हैं या नीतियाँ अपनाई गई थी। प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई थी? प्राइवेटाइजेशन के लिए हमने क्या नीति अपनाई थी देखते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा कम किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया गवर्नमेंट शेयर को, कैपिटल इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सेल किया शेयर को पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, ठीक है, या फिर जो भी है जॉइंट सेक्टर से अपने शेयर बेच लिए, या फिर जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया। जैसे टेलीकॉम सेक्टर को देख लो आप, उसमें पहले गवर्नमेंट सेक्टर ही था MTNL BSNL, उसके बाद उसको प्राइवेट सेक्टर यानी एयरटेल आइडिया वोडाफोन के लिए खोला, जो भी करा। मेजर्स क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के? ग्लोबलाइजेशन के मेजर्स ये होते हैं कि जो हम इंपोर्ट पर टैरिफ लगाते हैं, जैसे हम चाइना के गुड्स पर टैरिफ लगा दें, या फिर अमेरिका से जो सामान आ रहा है उस पर टैरिफ लगा दें, तो इंक्रीज इन, और यह है हम बाहर की कंपनियां जो आती हैं उनके FDI की लिमिट को बढ़ा दें। हम क्या करते हैं कि 10% ही बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, 15% उसको बढ़ाकर 51% करते हैं, तो यानी बाहर का आदमी भी यहाँ की कंपनी में मालिक बन सकता है। इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रिडक्शन इन टैरिफ्स, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, मतलब ये सब मेजर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। इसके अलावा फिस्कल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? फिस्कल रिफॉर्म्स का मतलब होता है जब सरकार अपने गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिस्टम में रिफॉर्म्स करे, इन विच गवर्नमेंट फोकसेस टू इंक्रीज द रेवेन्यू वाइल रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर इन अ वे दैट प्रोडक्शन एंड वेलफेयर डू नॉट गेट अफेक्टेड नेगेटिवली, सिंपल एंड मॉडरेट टैक्स स्ट्रक्चर एंड सेटिंग अप कॉमन नेशनल मार्केट। यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्स वगैरह को स्ट्रक्चर को ऐसा करेगी कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए और एक्सपेंडिचर को घटाया जाए, उसे बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स यानी राजकोषीय उपाय। इसके अलावा है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल रिफॉर्म्स का मतलब होता है वित्तीय सुधार। वित्तीय सुधार क्या होंगे, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो भी बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, या फिर जो भी अपने देश में मनी सेक्टर है, RBI है, उसके कुछ रिफॉर्म्स करना, यानी देश में जो है बैंकिंग हैबिट्स बढ़े, बैंकिंग फैसिलिटीज बढ़ें, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, यानी औद्योगिक सुधार क्या होते हैं? औद्योगिक सुधार वही होते हैं कि अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ाया जाए, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए, जो लघु उद्योग होते हैं उनको बढ़ाया जाए, और एबोलिशन किया जाए लाइसेंस लेने को, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब यानी कि रिजर्व कर रखा है पब्लिक सेक्टर को, यानी गवर्नमेंट सेक्टर ही इसमें जा सकता है, नई इंडस्ट्री को प्राइवेट के लिए खोल देना, डी रिजर्वेशन करना, नो परमिशन फॉर सर्टेन लिमिट एक्सटेंशन, फ्रीडम कर देना इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स को, पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिए फ्रीडम दे देना, इनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके अलावा है एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या होते हैं, यानी बाह्य क्षेत्र के रिफॉर्म्स क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कर देना, इन विच रुपी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी डिटरमिन्ड बाय मार्केट। जब हम अपनी करेंसी को बाहर के मार्केट्स के लिए छोड़ देते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। अबोलिशन ऑफ इंपोर्ट कोटा, हम इंपोर्ट पे कोटा ज़्यादा ना लगाएं कि हम ये बोल दें कि इसकी इतनी गुड्स, इसकी बाहर के मार्केट की कंपनी की इतनी गुड्स खरीद सकते हैं, या लाइसेंस लगाना या टैरिफ लगाना, इनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंपोर्ट रिफॉर्म्स, जो भी है। इसके बाद है नवरत्नास कंपनी कौन सी होती है, तो आपको पता होगा महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये कंपनीज होती हैं। तो नवरत्न की कोई पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो बहुत अच्छा से काम करती हैं उनको नवरत्न का टैग दे दिया जाता है, महारत्न कंपनी का टैग दे दिया जाता है, 7 या 9 महारत्न है, उसके बाद नवरत्न है, उसके बाद मिनी रत्न है। तो ये जितनी भी लिखी हुई हैं IOC BPCL ONGC सेल भेल IPCL VSNL NTPC HBCL और गेल MTNL, ये नवरत्न से ये अच्छे काम करती हैं, इनके प्रॉफिट अच्छे हैं, इनका टर्नओवर अच्छा है, ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस का भी काम करती हैं कंट्री में, तो इन्हें अच्छा माना जाता है, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1995 में इसको नाम चेंज किया था, इससे पहले इसका नाम था वो था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ, गेट,
तो इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू फ्री टू प्रमोट फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज बाय रिड्यूसिंग टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड फ्री एक्सेस टू मार्केट टू ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इट प्रमोटेड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस कंट्रीज विच रिजल्टेड एमएनसीज इन इंडिया बट इट डजंट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ लेबर विच कुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर एलडीसीज लाइक इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फ्री एक्सेस टू लेबर मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो देखो इसमें एक बात बताना चाहूँगा दो में कि जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है ना टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं. टैरिफ बैरियर तो तब होता है जब कंट्री क्या होती है टैरिफ लगाती है किसी भी कंट्री पे, तो क्या उसे क्या बोलते हैं हम टैरिफ बैरियर. और जब टैरिफ नहीं लगाती क्या करती है कंट्री, बोल देती है कि भाई आप इसके 10 ही गुड्स मंगाओगे, मान लो चाइना से मोबाइल मंगाओगे तो आप केवल 50 मोबाइल मंगा सकते हो. इसे बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर. ठीक है, इसके अलावा इसमें एक पॉइंट आया था कि जो वो WTO है, WTO यूँ कहता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज मंगा उसका फ्री फ्लो रखो, यानी फ्री फ्लो होना चाहिए जितने भी कंट्रीज है उसमें, कोई इसमें वो रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, कोई अपनी टांग मत लगाओ. लेकिन जब फ्री फ्लो ऑफ लेबर की बात आती है लेबर की, तो कंट्री के वो WTO क्या कहता है जी लेबर को फ्री फ्लो मत छोड़ो. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अगर लेबर का इंडिया बोलता है कि लेबर को भी फ्री आने जाने दो, यानी लोगों को ह्यूमंस को, यानी अगर हम अमेरिका जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग तो हम फ्री फ्लो रखो कहीं भी कोई भी जाए अपना काम धंधा करे, तो WTO इसको नहीं मानता. क्यों नहीं मानता, क्योंकि अगर ज़्यादातर लोग अमेरिका चले जाते हैं और कम वेजेस पे काम करते हैं तो होता क्या है कि अमेरिका में जो अमेरिका के लोग हैं वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान या जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके लोग वो तो कम वेजेस पे काम कर लेंगे. तो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स तो बोलता है करो, फ्री फ्लो ऑफ लेबर नहीं बोलता, ये ध्यान रखना. दूसरा, टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं, जो जिस पर टैक्स लगा के बैरियर लगाया जाता है गुड्स पर, और नॉन टैरिफ जो बिना टैरिफ के होते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव मात्रा पर लगाए जाते हैं क्वांटिटी पे.